और अपनी नजर दौड़ाओ, तुम्हारी नजर नाकाम वापस लौटेगी, फिर नजर दौड़ाओ, फिर नाकाम वापस लौटेगी। जुरत नहीं है सूरज की कि वो Yes, we have a very interesting and a tricky question from one of our viewers. Or my question, मैं वो पढ़ रहा था and I was like, okay, fine. You know how people think, evolve कैसे कर रहे होते हैं, दिमाग में कितनी चीजें आ रही होती हैं. Allah says, I will, you know, kun fayakun, be and it is. पर लेकिन अल्लाह ताला ने भी अपने हर काम के लिए नुमाइंदे सेलेक्ट किए हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई एक पल में नहीं, इट टुक हिम डेज। इसी तरह फरिश्ते हैं, बारिश के लिए अलग फरिश्ता है और मौत के लिए एक अलग फरिश्ता है, डेलीगेट किए हैं काम। सो व्हाई नॉट अल्लाह बीइंग द सुप्रीम पावर कैन डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन। वेरी इंटरेस्टिंग है। शैतान ना, मैं जब ये इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं ना, तो बंदा सोचता है कि शैतान कैसे ट्रिक करता है इंसान को, कैसे कैसे परेशान करता है। तो फिर वो बात है कि अल्लाह ने जो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया ना कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ये पनाह मांगें, अल्लाह की पनाह मांगें शैतान से। कोई इंसान, इवन अम्बिया भी, उन्होंने कभी अपने तौर पर ये नहीं कहा कि हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। शैतान तो बड़ा उसका एक्सपीरियंस है, वो कायनात बनने से पहले, सॉरी इंसान के बनने से बहुत पहले था, जिन्हों की उसने पूरी लाइफ देखी। फिर वो वहाँ से पहुँचता पहुँचता मुकर्रब फरिश्तों में पहुँच गया कि अल्लाह से उसका कलाम होता था। फिर वहाँ से गिराया गया ज़मीन पर, और इंसान को भी लाखों साल हो गए हैं ज़मीन पर आए हुए, तो वो लाखों साल की लाइफ उसकी अलग है। और फिर हर नबी और हर इंसान और हर एक के बाद एंड तक, आखिरी इंसान तक, क़यामत कायम होगी तो तब उसकी साथ मौत आएगी। तो इतना उसका एक्सपीरियंस है, वो ऐसे इंसान को घुमाता है। इससे भी बाज़ बाज़ वर्स चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे, वो डाल देता है लोगों के जहन में। तो सबसे पहले तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे शैतान की ट्रिक्स से, अल्लाह ताला हमें बचाए। ये जो सवाल है ना, देखें दो चीज़ें हैं, एक है अल्लाह का आलम अम्र, एक है आलम खल्क। आलम अम्र ये है कि जिसको हम मेटाफिज़िक्स कह लें, बियॉन्ड फिज़िक्स, फरिश्ते हैं और जो अल्लाह के या रूह है अल्लाह इंसान की, ये आलम अम्र की चीज़ें हैं जिनको हम फाइव सेंसेस से नहीं टच कर सकते। एक है आलम खल्क यानी क्रिएटेड थिंग्स, एक है ऑर्डर्ड थिंग्स। आलम अम्र, अम्र कहते हैं हुक्म को, कि अल्लाह ने अम्र दिया, हुक्म दिया, काम हो गया। एक है क्रिएटेड वर्ल्ड, क्रिएटेड यूनिवर्स, दो पैरेलल यूनिवर्स कह लें या पैरेलल सिस्टम्स कह लें। तो मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर साइंस में देख लें, वही कंप्यूटर की मिसाल आती है कि हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में आप कमांड देते हैं, वो चीज़ उसी वक्त हो जाती है। देर इज़ नो वेट, देर इज़ नो समथिंग, प्रोवाइडेड यू हैव इनफ हार्डवेयर, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है। लेकिन हार्डवेयर में अगर आपने रैम बढ़ानी है, या आपने कोई ऐसा प्रोसेस चला दिया कि जिसके लिए रैम ज़्यादा चाहिए, तो नाउ यू हैव टू फिज़िकली बाय एंड फेच एंड पुट इट, तो इट विल टेक टाइम। तो एक आलम अम्र है, एक आलम खल्क है। ये अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसने अब खुद से, वो सब कुछ अम्र से कर सकता था, वो आलम खल्क को भी अम्र से कर सकता था। लेकिन जैसे एक आर्मी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, अल्लाह ताला हर चीज़ को उसूल के मुताबिक चलाता है, एक प्रोसेस के तहत चलाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक आलम अम्र रखा, एक आलम खल्क रखा। रूह के बारे में पूछा जाता है कि क्या है, तो अल्लाह ताला बताता है कि ये अल्लाह का अम्र है, जस्ट ऑर्डर। ओके, कि देयर इज समथिंग फिजिकल, अल्लाह का हुक्म आता है, वो लाइफ में आ जाती है और अल्लाह जब चाहता है उसको निकाल लेता है। आलम खल्क में जो कुछ होगा वो फिजिक्स के मुताबिक होगा। आलम अम्र में क्या है कि फरिश्ते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है ज़मीन से आसमान पे जाने के लिए, आसमान से ज़मीन पे जाने के लिए, दुनिया में कहीं से जाने के लिए उन्हें गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मिसाइल की को क्या, रॉकेट की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जा रहे हैं आ रहे हैं। इसी तरह जो भी आलम अम्र के मामलात हैं, जो रूह इंसान में फूंकी जाती है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं होती ना, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है क्या, कुछ भी नहीं होता।
खल्क फिजिकल क्रिएशन के लिए एक एक्शन है, एक प्रोसेस है प्रोडक्शन का, इंसान हो जानवर हो, लेकिन जो उसमें रूह भोंकने का अमल है पता भी नहीं चलता किसी को, हो जाती है अल्लाह का अमर है। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है ये अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह की मर्जी है, उसने इसको लिमिटेशंस में रखा है, फिजिकल बाउंड्स में रखा है और खुद भी उसको फॉलो किया है। अल्लाह चाहता तो कौन कहता जमीन आसमान हर चीज़ बन जाती, लेकिन अल्लाह ने खुद भी उसको फॉलो किया है कि ये फिजिकल वर्ल्ड ये उसी प्रोसेस के तहत बनेगी कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने जमीन आसमान बनाए। अल्लाह ताला कहता है उसको कोई थकावट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, SOP को फॉलो करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी बनाए और हर चीज़ को प्रोसेस के तहत चलाया। अब नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि अल्लाह के यहाँ उनसे महबूब तो कोई नहीं हो सकता ना, लेकिन प्रोसेस है। उनको भी नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 13 साल लगे कि अल्लाह ताला ने उसके बाद उन्हें एक रियासत दी, लोगों में एक्सेप्टेंस बिल्ड हुई। शुरू में क्या हो रहा है कि ताइफ में जाते हैं कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के यानी पसंदीदा तरीन और अल्लाह के मुकर्रब तरीन, और वो भी ताइफ में जाते हैं तो आम बच्चे उन्हें पत्थर मार रहे हैं और उनके खून से जूते भर जाते हैं। आलम खल्क में थे इसलिए उनको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में पहले लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, एक नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता बात दिलों में उतरी, वरना अल्लाह चाहता तो अमर भी वहाँ पे लगा सकता था, वो जब चाहता है आलम खल्क में भी अपना अमर लगा देता है। तो अल्लाह चाहता तो लोगों के दिल एक लम्हे में बदल जाते, लेकिन प्रोसेस है, SOP है। वो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि ये आर्मी इतनी डिसिप्लिनड कैसे हो जाती है ना, हम जैसे ही होते हैं आर्मी में जाते हैं बड़े डिसिप्लिनड हो जाते हैं। उसने कहा कि मैं सियाचिन में गया तो सियाचिन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, पूरी SOPs लिखी हुई थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, वो सारे स्टेप्स लिखे हुए थे, उनके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि इस SOP को फॉलो करें क्योंकि ये SOP खून से लिखी गई है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसिस दे हैड डेवलप्ड द SOP। तो वो अब आर्मी चाहे तो स्किप भी कर सकती है ना कि यस सर करना है, नहीं करना, जल्दी है, यूं कर लें, वूं कर लें, नहीं, उन्होंने SOP बनाई हुई है इन एनी केस। वो कभी कभी आपको रेड टेप लगेगी, ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो इन एनी केस फॉलो होती है। और वो उसने मुझे बड़ा अच्छा समझाया कि वो एक्सपीरियंसिस की वजह से होती है। तो ये इंसानों का हाल है कि उन्होंने जो SOP बना ली है और जब वो डिसिप्लिन हो जाते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। तो अल्लाह तो है ही, कभी ऐसा हुआ है कि सूरज वक्त पे ना निकला हो, एक लम्हा लेट हो गया हो, कि जैसे अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाता है कि मा तरा फी खल्क रहमान मिन तफावत फरज अलबसर हल तरा मिन फुतूर थुम्मा अरज अलबसर करतैन यनक़लिब इलैका अलबसर ख़ासिअन वहुवा हसीर, कि तुम अल्लाह के कायनात में निज़ाम में देखो, तुम्हें कोई कजी कोताही शॉर्ट कमिंग नज़र आती है, और अपनी नज़र दौड़ाओ, तुम्हारी नज़र नाकाम वापस लौटेगी, फिर नज़र दौड़ाओ, फिर नाकाम वापस लौटेगी और थक हार जाएगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह के निज़ाम में कोई शॉर्ट कमिंग नज़र नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला इतना ज़्यादा डिसिप्लिनड है, उसकी हर चीज़ एक प्रोसेस फॉलो करती है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिक अल-क़मर, कि जुरत नहीं है सूरज की कि वो चांद का इदराक कर ले, उस तक पहुंच जाए, आपस में मिल जाए। अल्लाह ने एक प्रोसेस बनाया, उसी को फॉलो करेंगे। लिहाजा ये SOP का तकाजा है अल्लाह की कि आलम खल्क को आलम खल्क के तहत ही चलाता है अल्लाह ताला, कि वो उस प्रोसेस को फॉलो करता है। फरिश्ते अपना अपना काम करते हैं, अंबिया आते हैं वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, इंसान है वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं, सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होता है।